हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो माइनक्राफ्ट। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं गोकुलधाम सोसाइटी, मतलब TMKOC तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो चलो इनपुट करते हैं एक्सप्लोर। और यहाँ पर जाने का तो है पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी का एंट्रेंस गेट, और ये है चमकू लॉन्ड्री शॉप, यहाँ पर प्रेस होती है, और ये है सोडा शॉप, अब्दुल का सोडा शॉप। और ये लेफ्ट हैंड साइड मेरे को मालूम नहीं है क्या चीज़ है, कमेंट में बता देना आप। पता नहीं ये रूम है किसी के नाम के हैं और मालूम नहीं है क्या चीज़, आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या चीज़ है ये, और ये मालूम ही नहीं है, बता देना आप लोग। और मेन एंट्रेंस गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर जाने की है, लेफ्ट हैंड साइड मंदिर गार्डन है और राइट हैंड साइड तो सोसाइटी है। सबसे पहले मंदिर में चलते दर्शन करने, तभी जाएंगे हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी पे। घंटा बजा रहा टन टन टन, यहाँ पर मूर्ति नहीं है, मूर्ति भी लाकर लगाऊंगा मैं। और ये है गार्डन, अब चलते हैं सोसाइटी के अंदर। सुकून मिल गया गाइस सोसाइटी के आने के बाद, सुकून। अब हम लोग इसमें घर एक्सप्लोर करेंगे सबका। सबसे पहले ऑफिस के अंदर चलते हैं हम लोग, और ऑफिस है अंदर से खाली, और बताते हैं एपिसोड में कि इधर अंदर बहुत पैसा है पर अंदर तो खाली है। और यहाँ पर सुभिचार लिखता है बीड़े, और यहाँ पर है ये क्लब हाउस, और इधर साइड शायद रहता है पोपटलाल, मतलब डिब्बा, बापूजी बुलाते उसको डिब्बा। अब सबसे पहले हम लोग किसके घर चले, मेरा फेवरेट कैरेक्टर बबीता जी, बबीता जी के घर पे चलते हैं हम लोग सबसे पहले। और यहाँ पर उनका सोफ़ा है और सामने टीवी लगी है, अंदर बेडरूम होगा, और यहाँ पर बाथरूम है। बाथरूम में नहीं जाना संडास दिखाने का, नहीं हम लोगों को अब की बार बालकनी में जाएंगे। और यहाँ से देखते हैं जेठालाल बबीता जी को, और अब चलते हैं जेठालाल के घर के अंदर। और यहाँ पर सीढ़ियाँ जा रही हैं, और चलते हैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा के घर के अंदर। और यहाँ पर है बप्पू जी और टप्पू का रूम, और ये है दया भाभी और जेठालाल का रूम, और यहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं, और वो सोफा, और यहाँ पर टीवी सामने, और ये है उनका बेडरूम, और ये है शायद संडास। संडास दिखाने के नहीं, मैं बार बार संडास के अंदर क्यों घुस जाता हूँ पता नहीं। और ये उनकी बालकनी, यहाँ से वो देखते हैं बबीता जी को। और चलो वैसे रात हो चुकी है, ये मौका बार बार नहीं मिलता है किसी की सेलिब्रिटी के घर के अंदर सोने का, तो चलो यहाँ पर मैं जल्दी से सो जाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर सुबह तो हो चुकी है, थोड़ा सा चाय पी लेता हूँ, नहीं तो रहने दो, चाय नहीं पी रहा। उधर से डायलॉग आगा, नानी जा नानी। तो अब की बार हम लोग चलेंगे बापूजी के रूम में और टप्पू के रूम में, और यहाँ पर शायद बापूजी और टप्पू सोते हैं, और ये तो खाली है, इनकी अलमारी कह सकता हूँ, चेस्ट तो कह नहीं सकता, और ये है उनकी बालकनी। अब की बार हम लोग चलेंगे आत्माराम तुकाराम के घर के अंदर। अबे मैं बार बार संडास में क्यों घुस जाता हूँ, कितनी बार मना करी संडास के अंदर जाने के ही नहीं। तो अब चलते हैं आत्माराम तुकाराम बीड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं सेक्रेटरी, बीड़े ट्यूशन क्लासेस। और मैं शायद गलत आ गया हूँ, मेरे को विंग सी विंग में जाना है। और ये है यहाँ पर शायद, ये रहा उनका घर आत्माराम तुकाराम बीड़े का, और ये सोफ़ा है, और यहाँ से वो पढ़ाते हैं, कहते टप्पू नौटंकी मत करो, मैं तुम्हारे पिताजी को कह दूंगा। और चलो इसके अंदर चलते हैं, है उसका बेडरूम। अब इस रूम के अंदर क्या है देखते हैं, यहाँ पर उनकी किचन है, और ये सारे यहाँ पर पिंकी नाम है क्या नाम है, मैं आत्माराम तुकाराम वीडियो को ही देखता हूँ, मैं और किसी को नहीं देखता, आई एम वेरी शरीफ लौंडा। और अब की बार चलते हैं हम लोग तारक मेहता के घर, तारक मेहता के घर चलते हैं। और यहाँ पर घुसते पहले यहाँ पर हमको टीवी दिख जाएगी, यहाँ पर सोफ़ा है बैठने का, और यहाँ पर बेड है, यहाँ पर वो लोग वो पोइट वगैरह लिखते हैं तारक मेहता सर। और ये संडास में मैं फिर से घुस गया हूँ, संडास का तीसरी बार घुसने का मेरे पे अंदर रिकॉर्ड है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है संडास जाने में। और चलो एक और बार हम लोग संडास में दी गए, अगली बार बच गए। अब की बार चलते हम लोग डॉक्टर हाथी के घर पे, और यहाँ पर उनकी बाहर कुर्सी है बैठने की, और ये अंदर क्लिनिक उनका, यहाँ पर देखते हैं, और ये उनका सोफ़ा बैठने का, और ये है उनका बेड, और इसके अंदर शायद गोली सोता होगा, और ये उनकी किचन। अब की बार संडास में जाने का ही नहीं,
और अब की बार हम चलते हैं सोड़ी के घर में। मैं कन्फ्यूज, सोड़ी का घर ये है या ये वाला है, मैं कन्फ्यूज हूँ, पता नहीं। चलो देख लेते हैं, कोई सा भी होगा। ढूंढने के बाद गाइस मेरे को मिल ही गया था सोड़ी का घर, और सेम टू सेम सोफ़ा है, और उधर डाइनिंग टेबल है, और उनका बेड है, और यहाँ पर शायद क्या था मालूम नहीं है मेरे को, और ये है गोगी का बेड, यहाँ पर वो सोता है। अब की बार संडास में नहीं जाने का, बची है इस बार, बची है मैं। और अब की बार हम चलेंगे पोपटलाल के घर पे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सकाराम को। सकाराम चलता कैसे है भाई, शायद तुम्हें जंग पड़ गई है। ये बहुत एपिसोड से भी चला भी नहीं है ना, इसमें जंग पड़ गई मेरे को लग रहा है। और अब की बार रह गया हमारे पास पोपटलाल का घर। पोपटलाल के घर के जाने का रास्ता तो बालकनी से है, वो में सब बालकनी पे ही लटके रहते हैं। यह पोपटलाल का घर मीन्स उफ डिब्बा। और यहाँ पर हम लोग संडास में फिर से आ चुके हैं, चौथी बार संडास में आ चुके हैं हम लोग। और यहाँ पर दो बेड है, क्योंकि एक बेड हमें लगाना है क्योंकि अभी उनकी शादी नहीं हुई है। सॉरी कहने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर कहूँगा ना, क्योंकि उनकी शादी नहीं, दो बेड लगाने का कोई मतलब नहीं है। और ये है उनकी बालकनी, और यहाँ पर है पूरी गोकुलधाम सोसाइटी, दिखने में कितनी तगड़ी लग रही है। और यहाँ पर हम लोग क्लब हाउस में अगली बार जाएंगे देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए गुड बाय।